કોરોનાની વૈશ્વિક પરિસ્થિતિમાં લોકડાઉન અને મહામારીની તાણ વચ્ચે લોકોના જીવનમાં મુસ્કરાટ જરૂરી છે ત્યારે કચ્છના ગાંધીધામમાં યુવતીઓએ આ માટે નવતર પ્રયાસ કર્યો છે સમાજસેવાના માધ્યમથી આજની યુવા પેઢીને નવી રાહ ચીંધી છે જાણો શું છે મુસ્કુરાહટ સમગ્ર વિશ્વ અને આપણો દેશ કોરોના વાયરસથી ભયભીત હતા ત્યારે ભયભીત અને દુઃખી ચહેરાઓ પર મુસ્કુરાટ લાવવા માટે કચ્છના પંચરી ગીત સંકુલ ગાંધીધામની યુવતી અંજલિ સિંઘે નવતર પ્રયાસ હાથ ધર્યો છે આ યુવતીએ પ્લાસ્ટિકના કુંડા ઉપર હાસ્ય મુસ્કુરાટના ચિત્ર દોરી સોશિયલ મીડિયામાં મૂક્યા હતા જેને લોકોએ ખૂબ પસંદ કર્યા છે ત્યાંથી તેને વધુ સાહસ પ્રાપ્ત થયું હતું બાદમાં તેણે લોકોને માસ્ક વિતરણ સમવાય કર્મચારીઓને કપડાં જુદી જુદી જગ્યાએ સેનેટાઇઝર મશીન મૂકવા ચકલીઓ માટે કુંડા રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટે શહેરમાં ગિલોયના રોપાનું રોપાણ વગેરે કાર્યો હાથ ધરીને લોકોના ચહેરા ઉપર હાસ્ય લાવી શકી છે मेरा नाम अंजलि सिंह है मैं गांधीधाम के कच्छ जिले से हूँ मैंने लॉकडाउन में मुस्कुराहट नाम का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया पूरे गांधीधाम में इसके थ्रू मैंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने हैं आत्मनिर्भर भारत स्वच्छ भारत ऐसी कुछ चीज़ों को इसमें जोड़ा मैंने मुस्कुराहट एक पॉट पे पेंट करके स्टार्ट किया एक स्माइली फेस ड्रॉ किया था मैंने पॉट पे उसका नाम मैंने मुस्कुराहट रखा मुस्कुराहट को फिर मैंने मुस्कुराहट से जितना भी प्रॉफिट आया वो सारा मैंने सोसाइटी के लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए यूज़ किया जैसे कि मैंने मंदिर में सैनिटाइजेशन मशीन इंस्टॉल किए गरीबों के लिए खाना बंटवाया कुछ हमारे जो सफाई कामदार हैं झाड़ू लगाने वाले या ऐसे सब उनको उनके लिए हमने कपड़ों का वितरण किया फिर इसी के अंडर हम इसका जितना भी प्रॉफिट आता था उसमें अपनी तरफ से थोड़ा लाभ जोड़कर जितने भी हमारे ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचने की हमने कोशिश की और उनके चेहरे पे भी हम मुस्कुराहट लेके आए इसके अंडर हमने 3-4 और ऐसे कैंपेन्स जोड़े जैसे कि प्लास्टिक हटाओ थैला अपनाओ उसके अंदर हमने जितनी भी हमारी बेरोज़गार लेडीज़ थी यहाँ पे जो घर में से बैठ के काम कर सकती थी उनको हमने कपड़े का प्रोवाइड किया और उनसे बोला कि आप हमें कपड़े के थैले बना के दीजिए वो थैले जाके हमने जितने भी हमारे सब्जी वाले हैं या हमारे नॉर्मल किराना के स्टोर वाले हैं उनको दिया और उनके अंदर ये जागरूकता फैलाई कि आप प्लीज़ प्लास्टिक यूज़ करना बंद करिए और उसकी जगह आप कपड़े के थैले यूज़ करिए तो इसी तरह हमने प्लास्टिक हटाओ थैला अपनाओ का एक कैंपेन स्टार्ट किया और हमारे जैसे जितने भी बड़े मॉल्स हैं यहाँ पे उनको भी हमने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की उसमें हमारा सबसे ज़्यादा साथ ओशिया सुपरमार्केट ने दिया उसमें हमने जाके उनके स्टोर मैनेजर से बात किया और उनसे पूछा कि उनके नॉर्मली एक महीने में उनको कितने बैग्स की ज़रूरत है तो मोर देन 500 to 600 बैग्स हमने उनको सप्लाई की फ्री ऑफ कॉस्ट और उनको बोला कि आप लोगों तक ये बैग्स दीजिए फिर इसी के साथ साथ जैसा कि हम देख रहे थे कि कोरोना बहुत बढ़ता जा रहा है तो हम गए और हमने नॉर्मल हमारा जो ओस्लो सर्कल है वहाँ पे थोड़ी देर खड़े रह के ऑब्जर्व किया तो जैसा कि लोगों के पास लॉकडाउन में बिल्कुल भी अमाउंट नहीं है तो जो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले विमल भाई थे उन्होंने बोला कि इस कोरोना काल में हम किसी से फ़ाइन अगर लेते हैं 1000 रुपये मास्क के ऊपर फ़ाइन था तो वो बेचारा फ़ाइन तो दे देगा लेकिन उसके बाद भी वो इस रूल को फॉलो नहीं कर पाएगा तो हमने उसके लिए मास्क का वितरण करवाया फ्री ऑफ कॉस्ट जो लेडीज़ हैं यहाँ पे जिनको ज़रूरत थी उनसे हमने कपड़ा मंगाकर उनको मास्क सिलने के लिए दिए और वो मास्क हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सब जगह उन लोगों तक पहुँचाए और उनको समझाया कि मास्क पहनना इस कोरोना काल में कितना ज़रूरी है उसके बाद हमने इसी के अंडर गिलोय का प्लांटेशन स्टार्ट किया पूरे गांधीधाम में गिलोय का काढ़ा बनाकर हम पी सकते हैं जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और जो कि हमें अन्य बीमारी और कोरोना से लड़ने के लिए सहयोग देती है तो हमने पूरे गांधीधाम में नगर पालिका के साथ हाथ मिला के पूरे पब्लिक प्लेसेस पब्लिक गार्डन सब जगह गिलोय का फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांटेशन किया और लोगों तक ये जागरूकता फैलाई कि आप प्लीज़ गिलोय को पीजिए और कोरोना से लड़ने में पूरे गांधीधाम को कोरोना फ्री बनाइए इसी तरह हम मुस्कुराहट के अंदर धीरे धीरे 3-4 और प्रोजेक्ट्स जोड़ते गए जिसको हमने मुस्कुराहट से ही कनेक्ट किया हमारा रीसेंट जो प्रोजेक्ट है वो है बर्ड का तो हम सेव बर्ड्स के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसके अंडर हम पूरे गांधीधाम सिटी में बर्ड हाउस बर्ड फीडर बर्ड पॉट ये सब लगवाएंगे और लोगों तक जागरूकता फैलाएंगे कि हमारी जो छोटी छोटी चिड़िया हैं जो कि डायनासोर की तरह एक्सटिंग्विश हो रही हैं तो उनको प्लीज़ हम बचाएँ और लोगों तक ये फैलाना चाहते हैं कि आप बर्ड्स को प्लीज़ बचाएं और हमारे आने वाली पीढ़ी इन बर्ड्स को देख सके नहीं तो ये भी एक दिन डायनासोर की तरह एक एक्सटिंग्विश हो जाएगी इसी तरह हम लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि मुस्कुराहट
सिर्फ आप अपने जीवन में ना लाएं, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी मुस्कुराहट को फैलाएं, और अपने साथ साथ जितने भी आपके आसपास के लोग हैं उनको समझें और उनकी जीवन में भी खुशियां लेके आएं। मेरा नाम स्मिता सिंह है, मैं कच्छ ज़िले के गांधीधाम शहर की निवासी हूँ। मेरी बेटी अंजलि सिंह, जिसने इस मुस्कुराहट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है, मैं उसकी मम्मी हूँ। ऐसे तो हर माँ को अपने बच्चे पर गर्व होता है और उसके लिए कुछ भी बोलने के लिए उसे शब्दों की कम पड़ जाते हैं, लेकिन जब कोरोना काल में सभी लोग इस तरह की सामाजिक परिस्थिति में अपने बारे में सोच रहे थे, उस समय मेरी बेटी ने इस समाज की परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया और एक नारी के रूप में समाज में ये मैसेज दिया कि विषम परिस्थितियों में भी नारी एक बदलाव ला सकती है और समाज को एक दिशा दे सकती है। मुझे मेरी बेटी पे गर्व है, उसने इन कठिन परिस्थितियों में ना कि नारियों को वर्क काम दिया, इवन सभी वर्ग के लोगों को काम दिया और मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, इस तरह के सपने को साकार किया और अपनी एक पहचान बनाई। उसकी इस प्रोजेक्ट के लिए मैं उस पर बहुत गर्व महसूस करती हूँ। हमारा ये चिड़ियाघर बना के दिया हूँ, उसमें हमारा जॉकेट और मंच मिला है, मुस्कुरा के मुस्कुरा कर। हाँ,